हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBL। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इंट्रोडक्टरी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अबाउट GS पेपर 5, दैट इज एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। अब इस पेपर के बारे में हम क्या बात करेंगे, कैसे डिटेल में हम सिलेबस देखेंगे, कौन सी रेफरेंस बुक्स है, ये सब इस बारे में हम देखेंगे। तो अगर जस्ट टू हैव एन आइडिया, अभी तक हम क्या क्या बातें कर चुके हैं, हम बेसिकली थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है हमें कि ये सर्विसेज में क्या क्या होता है। देन हमने थोड़ा बहुत देख लिया है कि GS पेपर 1 का सिलेबस क्या है, GS 2 राइट एंड GS 3 का हमने देख लिया। आज हम बात करने वाले GS पेपर 4, दैट इज एथिक्स इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ, इस कैसे हाईलाइट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 250 नंबर का पेपर है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू, अगर देखा जाए तो, हिस्ट्री ज्योग्राफी प्लस सोसाइटी। तो आप ये चीज़ इसकी इंपॉर्टेंस अपने ध्यान में रखिए कि 250 मार्क्स मेक और ब्रेक है देखा जाए तो। दूसरी चीज़ अगर हम देखें, लास्ट ईयर अ फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स अगर देखें, जैसे रौनक अग्रवाल हैं, रैंक 13 हैं, या रुचि बिंदल हैं, जो इनको हमने थोड़ा बहुत गाइड किया है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, उनके इसमें ही सबसे ज़्यादा हाइस्ट मार्क्स हैं। जो टॉप रैंकर्स हैं उनके मार्क्स किस में हाइस्ट हैं, एथिक्स में ही हाईएस्ट है, 162 मार्क्स थे राइट एंड 155 रिस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ देम रिली डिड वेल, एंड इसी से बेसिकली डिसाइड हुआ था कि वो हाईएस्ट बने। सो इसलिए एथिक्स इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर इन UPSC सिविल सर्विसेज, तो ये आप ध्यान रखिए मेरे। ओके, नाउ हम थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं कि इसका पेपर में कैसे इसको सेटअप किया UPSC ने। एंड दूसरी बात ये करते हैं, पहले तो क्वेश्चन ये आता है, सर ये पेपर है ही क्यों, जब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी तो हमने पढ़ रखी है, स्कूल में मॉरल साइंस का थोड़ा बहुत होता था, तो अचानक ये एथिक्स कैसे स्टार्ट करवा दिया आपने UPSC वालों ने वैसे भी। सो बेसिकली देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड कि जो सिविल सर्वेंट है वो उसका आइडियलाइज इन्फ्लुएंस होना चाहिए ऑन द पीपल ऑफ द सिटी एंड द स्टेट एक्सेट्रा। सो उसके लिए थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्ति होती है कि एथिक्स का, वैसे ये थोड़ा सा यूनिट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शन में पहले भी था, बट आफ्टर दैट लमासना में ये पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने बोला कि इसको पहले ही ऐड कर दीजिए तो बेटर रहेगा, थोड़ा बेसिक आइडिया तो होना चाहिए स्टूडेंट का जो ज्वाइन करने से पहले। सो पेपर में है क्या, तो थोड़ा हम इंग्लिश अब यूज़ करेंगे। तो दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेग्रिटी, प्रॉपर्टी इन लाइफ एंड हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। पहले हम इसी बारे में बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो भी स्टूडेंट ये एग्जाम दे रहा है उसको टेस्ट किया जाएगा, उसका पहले तो हम एटीट्यूड चेक करेंगे। एटीट्यूड कैसे हम चेक करेंगे, बाय गिविंग हम सम थ्योरेटिकल क्वेश्चन या केस बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे कि वो कैसे थ्योरेटिकल आंसर भी लिखता है। जैसे अगर हम मींस एंड्स पे देते हैं तो वो कैसे लिखता है, मींस एंड्स क्या है, ये हम ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे। इंटेग्रिटी क्यों चेक कर रहे हैं हम, इंटेग्रिटी बेसिकली इज कि जो मैंने सोचा क्या मैंने वैसे ही किया कि मैंने कुछ अलग किया उससे, ठीक है ना। तो इंटेग्रिटी अगर हम बात करें तो ये है कि डूइंग व्हाट यू से इन द वे इट इज सपोज टू बी डन, तो वो इंटेग्रिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ सिविल सर्वेंट। देन प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, अगर हम देखें तो बेसिकली इसको अगर इन सिंपल लाइन में समझना है तो ये है बेसिकली लैक ऑफ करप्शन इन लाइफ, बिल्कुल कि एब्सोल्यूट लैक ऑफ करप्शन, कोई भी करप्शन जरा सी भी नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ, ठीक है ना। जैसे इसका बड़ा अमेजिंग एग्जांपल है लाल बहादुर शास्त्री का, कि लाल बहादुर शास्त्री ने बिफोर हिज डेथ बॉट अ फिएट एंड उन्होंने लोन लिया था, तो अब ऑब्वियसली व्हेन ही डाइड द बैंक ऑफर्ड की मैम आप रख लीजिए कार, हम वेव ऑफ कर देते हैं लोन आपका। नाउ शी डिक्लाइंड दैट एंड शी सेड नहीं, आई विल पे थ्रू हिज पेंशन, एंड सो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी इन पब्लिक लाइफ। देन अगर देखा जाए तो आगे हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसे चेक हो रही है, वो हम बेसिकली चेक करें थ्रू केस स्टडीज। नाउ इसको दो वे में देखा जाता है अगर देखें तो। अब एथिक्स का पेपर अगर हम देखें, सो एक तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है राइट, दूसरा इसका पोर्शन है दैट इज केस स्टडी। Now this approximately is from 100 to 120 marks का है ये right, and ये basically 130-ish marks का है approximately, ठीक है ना, 130 to 150 marks का ये है। So इसमें problem solving approach देखी जाती है कि क्या आपको एक situation दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा option लेंगे, एंड आपको थोड़ा discuss भी करना है इसमें, तो detail में हम ये बात करेंगे कैसे बेसिकली हमको करना है क्वेश्चन। देन ऑब्वियसली केस स्टडी अप्रोच यूटिलाइज की जाएगी एज दे सेइंग, एंड ब्रॉड एरियाज के बारे में बात की गई है अब सिलेबस में कि क्या क्या, अब केस स्टडी किस किस टॉपिक पे आ सकती है वो बात ऑब्वियसली हम इन द सिलेबस करते हैं।
सो कौन से टॉपिक पे यू नो क्वेश्चन आ सकता है. सो अब पहले तो फर्स्ट थिंग तो क्वेश्चन आता है सर डिफाइन तो करिए एथिक्स. अभी तक तो आपने सर बताना स्टार्ट कर दिया एथिक्स होता है इंटेग्रिटी एप्टीट्यूड, बट एथिक्स है क्या. सो एथिक्स को अगर हम डिफाइन करें, ARC रिपोर्ट होती है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, उनकी रिपोर्ट थी, फोर्थ रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नमेंट की. उसमें डिफाइन किया है एथिक्स एज अ सेट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स प्लेस्ड ऑन अ इंडिविजुअल टू कंट्रोल हिज एक्शन चॉइसेस एंड बिहेवियर. ओके, सो ये चीज आपको समझनी है कि किस चीज पे कंट्रोल करने की कोशिश है. सोशल स्टैंडर्ड्स किस पे लगाए गए हैं, आपके एक्शंस चॉइसेस एंड बिहेवियर पे, ताकि आपको कंट्रोल किया जाए, आपका बिहेवियर कंट्रोल किया जा सके, आपकी चॉइसेस कंट्रोल किया जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा. नाउ दूसरे वे में एथिक्स को देखा जाए तो एथिक्स इज जस्ट सपोज टू मेक योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्टर. क्या आपको डिसीजन लेना है, क्या करना है, वो आप सुबह ही आपको इजीली डिसाइड हो जाए. अब जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं. तो जैसे आप सुबह सुबह उठे, आप सुबह डिसाइड करते हैं कि यार कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है ना. पहले तो डिसीजन, अब तो आजकल कोविड चल रहा था, चलो फिर एक क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन क्लास लगानी है कि नहीं लगानी है, बेड पे बैठ के लगाऊं कि सोते हुए लगाऊं. अब ये चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं कि ये बार बार अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एवरीडे पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं. एथिक्स कहता है कि आपका ये चीज़ तो पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि अब सपोज करो अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो आपके कोई बहुत सिंपल चीज़ें, आपने कमिटमेंट दी है, तो आप क्या करिए, आप आराम से एक टेबल चेयर पे कुर्सी लगाइए, आराम से बैठ के फुल कॉन्सेंट्रेशन से लिखिए, फुल नोट्स आराम से बनाइए इसके, ठीक है ना. और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चैट बॉक्स पे लिखिए, टाइप करिए, हमें ईमेल करिए, एटसेट्रा. सो दैट इज व्हाट इज एथिकल, ठीक है ना. अगर आपके एथिक्स क्लियर हैं तो आपको एक सर्टन वे में बिहेव करना है. देन अब उसके डिटर्मिनेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एथिक्स के. नाउ एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि अगर आप एथिकल हैं तो आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपके पास, ठीक है ना. जो आपने सोचा वही करते हैं, ठीक है. जैसे आप सुबह उठे, आपने डिसाइड किया कि आज सुबह उठ के मैंने पढ़ना है, तो दैट इज एथिकल. इवन ऑन द अदर साइड ऑल्सो आप अगर देखें तो उसमें भी अगर आप ये डिसाइड करें कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और आप वो भी आपने डिसाइड कर लिया तो भी ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे आप एक ही जगह टर्मिनेट. मोस्ट पीपल व्हाट दे डू इज क्या करते हैं, ना इधर के ना उधर के, ना तो वो खूब दिल लगा के पढ़ते हैं ना खूब लगे ऐश करते हैं, तो बीच में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ अस. एंड देन ऑब्वियसली वी हैव दैट लाइफ दैट इज ऑफ अ मीडियोकर पर्सन. बट आपने चूज किया है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपने चूज किया है एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ, तो आप प्लीज यू नो एथिकल व्हेन वी टॉक अबाउट इट, आप मोर एंड मोर एथिकल पढ़िए. एंड यू नो जैसे अगर सर बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस लिखने हैं, यू नो चैप्टर पढ़ना है, बुक पढ़नी है, तो आप वो करिए, ठीक है ना. ओके, नाउ आगे कैसे, मतलब आप बात करते हैं कि स्टूडेंट बोलता है कि सर ठीक है आपने बोला, लेकिन अब कैसे मुझे समझ कैसे आएगा ये सब. तो हम बेसिकली इसके लिए लेसन्स लेते हैं फ्रॉम लाइव्स एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, ठीक है ना. सो जैसे महात्मा गांधी हैं, अब जैसे अगर आप वे बैक जाइए तो गौतम बुद्ध हैं, महावीर हैं, देन उसके बाद अगर आप देखें तो सूफी भक्ति सेंट्स हैं हमारे, उन सब ने हमें लाइट दी है कि सोचा दिखाया है कि कैसा कौन सा सही पाथ है, कहाँ से कैसे चलना चाहिए हम जिंदगी में. तो वो सब यहाँ पे रिफॉर्मर्स, और आजकल आप थोड़े बहुत हम एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी देंगे. सो ये हमें करना. फिर हम ऑब्वियसली अगर आप बात करें तो रिसेंटली अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो वहाँ रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात की गई है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर जो इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. सो उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटीट्यूड. नाउ एटीट्यूड क्या है, ना एटीट्यूड कैन टोटली डिसाइड योर लाइफ, ठीक है ना. नाउ एटीट्यूड बेसिकली कैसे आता है, तो बेसिकली बाय सम बिलीफ सिस्टम दैट यू हैव. बिलीफ सिस्टम कैसे आता है, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. अब जैसे एटीट्यूड की बात आती है, जैसे अब कुछ लोगों की यू नो एटीट्यूड होते हैं नेगेटिव एटीट्यूड है, तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज ही करेंगे चाहे कुछ हो जाए. कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम सपोर्ट ही करेंगे. सो अगेन गोइंग बोथ साइड्स भी सही नहीं है. हम आपको दिखाएंगे व्हाट इज़ द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट, उसके बारे में इसमें बात होगी. फिर सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएजन, इनके थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, व्हाट इज परसुएजन, व्हाट इज सोशल इन्फ्लुएंस, ये जो सारे कीवर्ड्स हैं इनकी डेफिनेशंस हम करवाएंगे और इनके रिलेटेड आपको एग्जांपल दिए जाएंगे कि कैसे आंसर लिखा जाए. ऑब्वियसली वी विल यूज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दैट. फाइनली अब अगर आप रिसेंटली बात करें इसमें इस पे यू नो इस स्लाइड पे, तो लास्ट चीज़ लिखी है इमोशनल इंटेलिजेंस. अब ये परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ अ सिविल सर्वेंट.
आप चाहे जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, आप किसी सीनियर सिविल सर्वेंट से बात करें तो ये बोलेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है आपकी। होता क्या है कि आईक्यू तो बहुत हाई होता है मोस्ट सिविल सर्वेंट्स का, ईक्यू लो होता है, और उसी से डिसाइड होता है आप कितने सक्सेसफुल बनेंगे। सो ईक्यू में क्या क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। फिर उसके यूटिलिटी क्या है, व्हाई आर सिविल सर्वेंट इज सपोज टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट। सो एग्जांपल दे देते हैं, जैसे त्रिपुरा में भी हुआ था कि वहाँ के जो डीएम हैं उन्होंने जाके, फिर एक शादी हो रही थी वहाँ पे, कोविड वायलेशन हो रही थी, वहाँ जाके उन्होंने दूल्हे को पीट दिया, इस टाइप की चीज़ें हुई। तो वो बेसिकली शोज की इमोशनल इंटेलिजेंस लो है, ही इज़ लूजिंग हिज कूल, राइट, सेल्फ रेगुलेशन खत्म हो गई है, राइट, ही इज़ फॉरगेटिंग दैट ही इज़ अ डीसी, ही इज़ नॉट सपोज टू डू दीज थिंग्स। जैसे एक वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, ही डिड दिस एज एन एसडीएम, तो वो इंसटेड ऑफ द कॉन्स्टेबल ही वेंट इनसाइड एंड स्टार्टेड टू राइट मूव द क्राउड। नाउ एज अ एसडीएम नॉट सपोज टू डू दैट, सो द लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एट अ वेरी यंग एज ही हैड बिकम अ आईएएस। सो those kind of things comes up. Now, आगे बात करते हैं, एक certain portion है जिसमें moral thinkers करेंगे हम, ठीक है ना। सो महात्मा गांधी obviously is going to be one of us, philosophers के बारे में बात होगी काफ़ी, so ancient philosophy, so Buddhism, Jainism, right? And obviously हमने 6 schools of philosophy हैं इंडिया में, वो हम देखेंगे, फिर Socrates थोड़ा बहुत देखेंगे, प्लेटो देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। obviously there's certain overlap from other optionals, जैसे आप बोलेंगे कि सर हमने तो ये सब political science में भी हम करते हैं, but यहाँ पे हम सिर्फ moralistic angle से देखेंगे, we will not look in terms of you know the theoretical aspects of things. Then obviously we look at medieval age में Sufi saints, bhakti movement, right? And then Renaissance देखेंगे, enlightenment थोड़ा सा हम discuss करेंगे, various thinkers, Thomas Hobbes, Paine, etc. ठीक है ना। देन मॉडर्न में हम आके बात करेंगे राधा कृष्ण की, एंड वी टॉक राजा राम मोहन रॉय, एंड हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन सब की लाइफ से हम इंस्पिरेशन लेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि व्हाट दे थिंक, क्या उन्होंने सही सोचा, क्या गलत सोचा, एक्सेट्रा। फिर हम ऑब्वियसली बात करते हैं कि अब सर ये सब तो ठीक है, बट ये सब हमें कैसे हेल्प करेगा बिकमिंग अ गुड सिविल सर्वेंट। सो व्हाट आर द एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्वेंट, क्या सिविल सर्वेंट आइडियलिस्टिक होना चाहिए, क्या है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एक सिविल सर्वेंट, ये इसमें बात करेंगे हम, इस पर काफ़ी डिबेट होगी। देन लैटरल एंट्री होनी चाहिए कि यंग एज पे ज्वाइन करवाना चाहिए, अगेन एक डिबेट है ऑल टुगेदर। देन कैसी इंटेग्रिटी होनी चाहिए सिविल सर्वेंट की, ही शुड बी फ्लेक्सिबल और नॉट। देन इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अब इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे हम जब हम बेसिकली डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो फंडामेंटल राइट्स अगर हम देखें तो जॉन लॉक से हम डिस्कस करवाते हैं जब हम ये डिस्कस करेंगे, तो उसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इम्पार्शियलिटी, यू नो इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ की क्या इंपॉर्टेंस है हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कि ऑब्जेक्टिविटी क्यों जरूरी है एज अ सिविल सर्वेंट। देन ऑब्वियसली डेडिकेशन टू पब्लिक सर्वेंट की, क्या पब्लिक सर्विस एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आई शुड बी मोर पीपल सेंट्रिक और आई शुड बी मोर रूल ओरिएंटेड, तो इस पर एक डिबेट है ऑब्वियसली, इस पर केस स्टडी भी बन सकती है आराम से। फिर हाउ मच एम्पैथेटिक आई हैव टू बी, अब सपोज करो एक बहुत बूढ़ा लेडी एंड वो आते हैं और मेरे पास कोई स्कीम नहीं है उनके लिए, तो मैं क्या करूँ, तो हाउ डू आई हैंडल दैट, डू आई बिकम रूल ओरिएंटेड और या मैं उनके लिए कोई एक्सेप्शन क्रिएट करूँ। देन कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाउ यू नो दिस अगेन, हम जब रोल्स डिस्कस करते हैं थिंकर्स में तो हम ये ऑब्वियसली ये भी डिस्कस करते हैं, अफर्मेटिव एक्शन एक्सेट्रा। पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हम आगे उसके बाद डिस्कस करेंगे इसी में ही, कि ये अगर आप देखें ये सब ही पब्लिक सर्विस वैल्यूज हैं इन सम वेज, कि यू नो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस टुवर्ड्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सब क्या है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज ही हैं देखा जाए तो, बट ऑब्वियसली और भी हैं, ऑब्वियसली वी डिस्कस दोस। देन एथिकल कंसर्न्स और डिलेमास क्या हैं, आजकल अगर देखा जाए तो बेसिकली प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सीएजी, सीबीसी, सीबीआई की वजह से ये बहुत प्रॉब्लम आ गई थी कि एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास यू नो आ गए थे, कि अब मैं अगर सही भी कर रहा हूँ तो भी मेरे ऊपर सीबीआई चढ़ जाती है। सो ऑब्वियसली अगेन दिस इज अनदर थिंग व्हिच इज देयर। देन लॉज, रेगुलेशंस, कौन से न्यू लॉज लगे हैं, लोकपाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस टाइप की डिबेट यहाँ पे हम करेंगे। देन अकाउंटेबल एंड एथिकल गवर्नेंस होती क्या है, इसको हम डिवाइन करेंगे कि अक्रॉस द वर्ल्ड चेक करेंगे कि कैसा चल रहा है सिस्टम। देन क्या स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, अगर आप देखें सो नरेंद्र मोदी व्हेन ही केम इन ही सेड ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सो व्हाट डिड ही एक्चुअली मीन बाय डूइंग दैट, ही सेड दैट आई विल स्ट्रेंथन एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज, राइट।
तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. देन एथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अब ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे तो ये दिस हैज बिकम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. देन फंडिंग में ऑब्वियसली अब सपोज करो फंडिंग आ रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है, इस पर बहुत डिबेट हुई है राइट दिस ईयर कि ये फंडेड बाहर से हैं तो ऑब्वियसली वेस्टर्न इंटरेस्ट है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी है इंटरनेशनल फंडिंग. दूसरी वर्ल्ड बैंक से फंडिंग आती है या कोई यू नो डिफरेंट चाइना से फंडिंग आ रही है किसी कंट्री को, तो डेट ट्रैपिंग ऐसे आता है, उस बारे में भी बात यहाँ पे कर सकते हैं. फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सी सी एस आर फंड्स के बारे में इस पर ज़्यादा बात होती है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या अगर कोई स्कैम हो जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तो फिर उससे, जैसे आजकल अगर देखा जाए तो हम बात करें कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इनकम क्रिएट हो चुकी है इन द प्राइवेट सेक्टर. अगर आप देखें तो कोविड में अमेजोन एप्पल इन सब के शेयर प्राइस इतने बढ़ गए हैं राइट, स्टॉक मार्केट बबल चल रहा है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं कि नहीं है उसमें. एंड ऑब्वियसली फ्रैंकलिन टिम्बल्टन यू नो धवन यू नो हाउसिंग उस सब में बेसिकली, दीवान हाउसिंग सॉरी, उस सब में बेसिकली ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ. Now, finally, we talk about probity in governance, right? Which is absolute, you know, lack of corruption in government. We talk about the concept of public service. What is public service? How is it defined by various thinkers? Then, uska kya impact hota hai if you're very public service oriented? Then, philosophical basis kya governance ka? So, we'll talk about from back to Mahabharata. Mahabharata se baat karenge ki us time pe Ram Rajya ka concept tha. Usse pehle bhi agar hum jayenge, to wo kya kehte the? Bhishma Pitama kya baat karte the about governance? Ha, wo baat karenge. Fir information sharing and transparency hamara नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम बात करेंगे कि आरटीआई कितना इफेक्टिव है उसका, बिकॉज लॉट ऑफ कोर्ट्स लॉट ऑफ जजेस हैव टॉक्ड अबाउट कि आरटीआई मिसयूज ज्यादा होता है राइट. सो उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, उसके हम ऑब्वियसली डिबेट डिस्कशन करेंगे. देन राइट टू इंफॉर्मेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्या रोल है, यू नो हाउ डू आई बैलेंस द बोथ. देन कोड ऑफ एथिक्स क्या सिविल सर्विसेज पे लगने चाहिए, क्या कोड ऑफ एथिक्स यू नो लेजिस्लेचर पे लगने चाहिए, क्या एक जनरल कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी से हम डिबेट करेंगे यहाँ पे. फिर कोड ऑफ कंडक्ट, ऑब्वियसली दिस इज देयर इन आपकी सर्विस, आप ज्वाइन करेंगे तो आप कोड ऑफ कंडक्ट ज्वाइन करेंगे, ऑल इंडिया सर्विस रूल होंगे या सेंट्रल सर्विसेज रूल होंगे जिसको आप फॉलो करेंगे, हियर वील टॉक अबाउट देम कि उसमें क्या क्या अलाउड है क्या नहीं. देन वर्क कल्चर, ये परहैप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अभी व्हेन आई मेट वेरी वेरी सीनियर लीडर राइट रिसेंटली, आई नॉट नेम हिम, सो उनसे जब बात हुई तो वो इसी बारे में बात कर रहे थे कि वर्क कल्चर गवर्नमेंट में थोड़ा वीक है, तो इसको कैसे किया जाए, हाउ डज इंडिया बिकम डेवलप्ड, बिकॉज सिंस 1947 हमारी यही है कि हम इनएफिशिएंट हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट हम बोलते हैं, तो वो बेसिकली क्यों है, वर्क कल्चर की वजह से. हम इसको कैसे इंप्रूव करें, जैसे जापान में तो यू नो डेथ बाय ओवरवर्क है और यहाँ पे तो उल्टा ही चल रहा है, तो क्या चक्कर है यहाँ पे, तो लोग यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर आप बोले यूबीआई कर दो तो लोग बोलते हैं मॉरल हैजर्ड है कि यार बंदा काम ही नहीं करेगा अगर ऐसा हो जाए. देन क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अब अगर आप रिसेंटली देखिए अगर आप पंजाब में हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि पंजाब में तो ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम आ रही है, देयर इज अ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज. सो हेयर अगेन अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी इवन इन सर्विसेज, सो बेसिक सर्विस इलेक्ट्रिसिटी रोड्स एक्सेट्रा. देन यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, कि जो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, जैसे अगर आप चंडीगढ़ एमसी के बारे में बात करें तो 210 करोड़ रुपये सिर्फ स्वीपिंग में खर्च हो रहे हैं, तो क्या ये सही है. फिर जैसे जीपीएस वाली वॉचेस दिए हैं स्वीपर्स को, वो ही खुद ही 18-20 लाख राइट उनका मंथली किराया है, तो वो क्या सही है. तो ये चीज़ें कि या ये करप्शन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को हम साथ में देखते हैं कि करप्शन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है. वी लुक एट वेरियस डेटा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का डेटा देखते हैं, ठीक है ना राइट, सीएजी का हम देखते हैं कि उनकी क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं इन केस में राइट. एंड इसी से रिलेटेड केस स्टडीज होंगे. सो हाउ केस स्टडी कैसे बनती है, अगर आप देखें तो इसमें अगर केस स्टडी कैसे आएगी, एक तो केस स्टडी हम बेसिकली होता है कि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जैसे कोई ओल्ड वुमेन ट्रांसजेंडर उनके कोई हरासमेंट होगी और उससे रिलेटेड केस स्टडी आती है एक नॉर्मली. दूसरा एक केस स्टडी होती है नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर पे आती है, कि प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और एक बंदा बहुत एफिशिएंट है, दूसरा बंदा थोड़ा सा करप्ट है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो आपको किसको चूज़ करना चाहिए, इस टाइप की बात आती है, ठीक है ना. तो इसके बारे में वॉरेन बफे का कोट है कि यू नो इवन यू नो इफ यू डोंट हैव इंटेग्रिटी यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स, तो उस बारे में हम ऑब्वियसली विल डिबेट ऑन दैट एज वेल. देन देर विल बी यू नो क्वेश्चन, नॉर्मली एक आरटीआई पे या सिटीजन चार्टर पे एक केस स्टडी बनती है, वन इन्हीं में से यू नो कोड ऑफ एथिक्स पे बन सकती है. आपको एक पॉलिसी बनाने को भी दिया जा सकता है कि अगर पंजाब पीसीएस का पेपर देखो तो उसमें एक पॉलिसी बनाने को आपको दिया गया है, क्या पॉलिसी बनाइए, क्या पॉलिसी बनाएंगे फॉर लैंड एक्विजिशन एक्सेट्रा, ठीक है ना. अगर कोई इशू हो गया है तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अगर आपको देना चाहें तो कैसे देंगे, तो उस टाइप की बातें होंगी इसमें. तो दिस इज ऑल फ्रॉम अस इन द
राइट सिलेबस साइड. बुक्स के लिए ऑब्वियसली वी विल यूज इग्नू नोट्स हियर एंड देयर आर फ्यू अदर बुक्स वी विल ऑब्वियसली टॉक अबाउट. डोनाल्ड मेंजल की केस स्टडी की किताब होती है, वी विल शेयर दैट विद यू एज वेल. एंड आई थिंक बुक्स वगैरह हम कह रहे हैं जो क्लास नोट्स होंगे वो सफिशियंट होंगे, बट थोड़ा बहुत आपको रीडिंग मटीरियल साथ में प्रोवाइड किया जाएगा वंस द कोर्स स्टार्ट्स. थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू टाइप इन द चैट और यू कैन इवन ईमेल अस और मैसेज अस. थैंक यू सो मच.